मंदसौर जिले में हुई नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या में अवैध अतिक्रमण भी एक बड़ा कारण बना था, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मंदसौर जिले में अवैध गुमटी हटवाने की मुहिम आज छेड़ दी और मनीष बैरागी की गुमटी सहित मंदसौर जिले में अवैध गुमटी रखी हुई है वहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए गुमटियों को हटवा रहा है। वहीं अगर हम बात करें नीमच की, तो नीमच में भी कई नेताओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर गुमटियाँ रखे हुए हैं। क्या मंदसौर से सीख लेकर नीमच प्रशासन इन अवैध गुमटी पर कार्रवाई करेगा या अतिक्रमण करने का सिलसिला नेताओं द्वारा यूं ही फलता फूलता रहेगा? गौरतलब है कि नीमच जिले में कई भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने अवैध तरीके से गुमटियां रखी हुई हैं और यहां सिलसिला काफ़ी समय से चलता आ रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन अभी तक सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी यहाँ अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। शहर में काफ़ी जगह में अतिक्रमण के स्थान चिन्हित किए थे, जिसमें कुछ गुमटियाँ दुकानें थी, तो हम उन्हीं जिन्हें के स्थानों से क्या और भी जगह आपने अतिक्रमण चिन्हित किए हुए ऐसे कि जो अवैध रूप से लोगों द्वारा स्थापित किए गए? इस समय याद नहीं है, लेकिन काफी जगह अतिक्रमण फैल चुका है और उसी के तहत अभियान चला है। ये जब भी हटाने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं राजनीति अड़ंगा सामने आया, तो क्या निष्पक्ष रूप से आपकी गतिविधि जारी रहेगी? मुझे लगता है हम ही काम कर रहे हैं। पुलिस को प्रश्न शिकंजा से कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी एक बल मिला है। वैसे तो प्रशासन हमेशा ही नगर पालिका के साथ है।